समाजवादी विचारक और सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर जंग जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आज जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी। जेपीएनआईसी बिल्डिंग है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा लगी है, जहाँ पर अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आने वाले थे ऐसा मैसेज था, लेकिन आज पुलिस यहाँ पर आई है, टीन शेड यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह बंद कर दिया गया है और यही मुआयना करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और देख के चले गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार टीन शेड लगाकर कुछ तो छिपा रही है, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही? आखिर कब तक सरकार रास्ता रोकती रहेगी? ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। आज अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाने वाले हैं या नहीं, इसे लेकर संशय है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अखिलेश यादव को घर से निकलने से रोकने के लिए उनके घर को बैरिकेड से घेर दिया है। अखिलेश के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देख सकते हैं कि विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव का यह वह बंगला है जहां पर वह रहते हैं, लेकिन रात को 1 बजने वाले हैं और यहां पर नगर निगम के द्वारा एक गाड़ी में आप देखिए किस तरह से बल्ली आ चुकी। पहले तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इधर से अखिलेश यादव की कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। देखिए दो दो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है, जिस तरह से पुलिस ने तैयारी कर रखी है, जिस तरह से पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग कर रहे हैं, बल्ली गाड़ रहे हैं, इससे लगता है कि कल अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में जो जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, जो माल्यार्पण का प्रोग्राम बनाए हैं, वह उनका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को रोकना बीजेपी की विचारधारा जाहिर करती है। जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है, जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक चिट्ठी जारी कर साफ कर दिया है कि मेंटेनेंस के कारण जेपीएनआईसी को बंद किया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सब साजिश है और जानबूझकर बीजेपी अखिलेश यादव की प्राण प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल पिछले साल भी अखिलेश यादव जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपीएनआईसी गए थे, तब उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी गई, तो अखिलेश दीवार फांद कर जेपीएनआईसी के अंदर चले गए थे। संभव है आज फिर कुछ उसी तरह का नजारा लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात बांग्लादेश की करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर लगातार हमला जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बांग्लादेश में मंदिरों पर लगातार हमला जारी है। सतखीरा के जय श्रीरेश्वरी मंदिर में मुकुट चोरी हुआ है। दरअसल ये मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में एक यात्रा के दौरान बांग्लादेश के इस मंदिर में इस मुकुट को भेंट किया था। सतखीरा के जय श्रीरेश्वरी मंदिर में मुकुट चोरी की घटना। और बात गरबा नाइट्स की, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या गरबा नाइट्स को लेकर कोई साजिश रची जा रही है? क्या वाकई मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर गरबा नाइट्स में पहुंच रहे हैं? हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्या सच है, क्या अफवाह? इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
झांसी, युवकों ने पहचान छिपाई। गरबा में गैर हिंदुओं का क्या काम? गरबा जिहाद सनातन पर आघात। नवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा पंडाल सजे हैं। इन पंडालों में गरबा और डांडिया का डांस होता है। हर युवक और महिलाएं अपनी शानदार परफॉर्मेंस देती हैं और हर साल इन गरबा पंडालों में बवाल और जिहादी चाल की बू भी आती है। इंदौर हो या फिर भोपाल, कानपुर या फिर झांसी, गरबा पंडाल में जिस तरह से बवाल और मारपीट की खबरें आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे गैर हिंदू युवक गरबा जिहाद करने की साजिश रचते जा रहे हैं। पहले समझाया, फिर थप्पड़ मारा, जमीन पर बैठाया और फिर कॉलर से पकड़कर पंडाल से बाहर कर दिया। तस्वीर उज्जैन की है, जहां गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसे युवक को आयोजकों ने घसीटकर बाहर निकाला, पुलिस के हवाले किया, नाम पूछा तो असल में फिरोज खान निकला। जब फिरोज की तलाशी ली गई, उसकी जेब से आपत्तिजनक सामान मिला, जिस पर लोगों का गुस्सा फूटा। इससे पहले लोग अपना आपा खोते, पुलिस उसे थाने लेकर चली गई। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, इंदौर में भी ऐसी घटना देखने को मिली, जहां एक गरबा पंडाल में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को शक के आधार पर रोका, तो पंकज नाम का युवक आसिम निकला।